मैंने भवनों पे मजदूरों की ढाबों पे बर्तन साफ किए, लेकिन मैं कभी उदास नहीं रहा। और जो कमाया है मैंने वो ये कमाया। आप देख रहे होंगे ये दीवार पर देख रहे होंगे चाय वाला क्रॉनिकल्स और ये समाचार पत्रों के कटिंग्स। ये हिंदी भवन में बड़े बड़े लोग आते हैं वो यही कहते हैं कि हम अच्छे स्थान पर रहकर ये नहीं कर पाए जो ये चाय वाला लक्ष्मण राव फुटपाथ पे बैठकर कर गया। इतिहास गवाह है कि साहित्यकारों ने क्रांति लेकर आई है। आपने कभी कुछ ऐसा सोचा था? पहले 40 साल में 12वीं पास की दिल्ली में, 40 साल की उम्र में मैंने बीए किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और 63 साल की उम्र में मैंने एमए। हम जैसे लोग कभी मरते नहीं है, हमारी पुस्तकें चलती रहती, लोग पढ़ते रहते। हमें ये भी हमें चिंता नहीं है कि हमारी पुस्तकें छापेगा कौन, पढ़ेगा कौन। नहीं, अगर लिख दी तो आगे पढ़ने वाले मिलेंगे। पैसों के पीछे भागना चाहिए या अपने सपनों के पीछे? पैसे तो अपने आप आते, पैसे कमाए नहीं जाते हैं। अपने सपने जो होते हैं वो अपने नीतियों से होने चाहिए। गुलशन नंदा जी बनने के लिए मैं दिल्ली आया था, गुलशन नंदा जी मैं बन चुका हूँ। अब मैं विलियम शेक्सपियर बनना चाहता हूँ। जब आप दिल्ली में पहली बार आए थे तब आपका अनुभव कैसा था? हर रोड पर दो अंग्रेज दिखाई देते थे। साफ सुथरा शहर था ये, गंदगी नहीं थी, आर्टिफिशियल प्रकाश नहीं था, सच्चाई का प्रकाश था इस दिल्ली में। पांचवी से बारहवीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीतें ढेरों इनाम। शून्य से शिखर तक आपने जो है पूरा सफर तय किया है, और आजकल के युवाओं को आप जानते हैं कितने जल्दी हार मान जाते हैं, लेकिन आप जो प्रेरणा बनके हमारे चैनल के माध्यम से हम लोगों को प्रेरणा देंगे, आपसे मिलने का अवसर बहुत ही महानता की बात है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल झलको दिल्ली पे। तो धन्यवाद आपका, आप आए हैं, आप मुझे पहचाना, आपने मेरे संघर्ष को आपने कहीं ना कहीं देखा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में, ये देश शुरू से संघर्ष का है। ये तो हमारे देश के लोगों ने बड़ी भूल कर दी है कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति से देश शुरू होता है और राजनीतिक क्रांति बाद में आती है। हमारे देश में औद्योगिक क्रांति तो भूल गए लोग, राजनीतिक क्रांति शुरू करने लग गए। और आज बच्चे जो है विधायक बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं, क्योंकि वो जो धन जो है वो तो सरकार का है, चलो जो भी है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं जो है अपने गांव में रहता था, 8वीं कक्षा तक पढ़ रहा था, और मैं महाराष्ट्र में अमरावती जिले से हूँ। महाराष्ट्र के अमरावती जिले से एक छोटा सा गांव है, तड़ेगांव दशासर भाव। मेरा 22 जुलाई 1952 में जन्म हुआ और आज मैं 71 वर्ष का हूँ। और मैं अपने गांव में गुलशन नंदा जी के उपन्यास पढ़ता था, और उनके उपन्यास पढ़कर मुझे प्रेरणा मिली कि मैं गुलशन नंदा जी क्यों नहीं बन सकता हूँ। हालांकि उन दिनों में फिल्में भी देखता था मैं, और फिल्मों से भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली। लेकिन 8वीं पढ़ने के बाद फिर मैं अमरावती आया, वहाँ मैंने 10वीं पास की, एक मिल में काम करने लगा, और 5 साल मैं उस मिल में काम करता रहा। 5 साल के बाद वो मिल बंद हो गया, एक गांव गया, खेती बाड़ी का काम करने लग गया। और एक दिन मैंने पिताजी से 40 रुपये लिए और फिर मैंने गांव छोड़ दिया। मुझे लगा कि गांव छोड़कर अब दिल्ली चलते हैं। उन दिनों रामदास एक मेरे गांव का लड़का था, रामदास मेरे गांव का लड़का था, वो पानी में डूबकर मर गया, और उस पर मैंने एक उपन्यास लिखा। तो वो उपन्यास प्रकाशित करने के लिए मैं दिल्ली आया था। दिल्ली में मैं यहाँ पर इसी रोड पर, ये आईटीओ का एरिया है और इस रोड को विष्णु दिगंबर मार्ग कहते हैं। 1975 में मैं इसी रोड पर आया हूँ। इसी रोड पर मैंने भवनों पर मजदूरी की, ढाबों पर बर्तन साफ करने का काम किया, और इसी रोड पर पेड़ के नीचे मैंने फुटपाथ पर पान बीड़ी सिगरेट बेचने का काम किया 15 साल तक। उसके बाद चाय बेचने का काम किया, और चाय बेचते बेचते मैंने ये सारा अपना जो उत्साह था या उद्देश्य था, जो कर्म था, वो आप पुस्तकों के रूप में देख रहे हो। और आज मेरी 25 पुस्तकें छपी हुई है। ये जो 25 पुस्तकें है ये मेरी छपी हुई है, इसमें 7 ग्रंथ है, 6 उपन्यास है, 4 नाटक है, 8 कहानी संग्रह है। और राष्ट्रपति भवन में मुझे राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया है एज ए अति विशिष्ट व्यक्ति के रूप में, और आजकल मैं सांगरीला होटल में एज ए टी कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहा हूँ। आज आपको बता रहा हूँ कि मैंने भवनों पे मजदूरों की, ढाबों पे बर्तन साफ किए, लेकिन मैं कभी उदास नहीं रहा। भाई लोग हताश हो जाते हैं कि हमें ये काम करना, ये काम मैंने भोजन के लिए किया, कि भोजन को प्राथमिकता देता रहा, इसलिए आज
पूरे ये लोग, ये सज्जन भी आज मेरा वीडियो लेने आए हैं। मैं मना नहीं करता हूँ, शनिवार मेरी छुट्टी होती है, जहाँ मैं अपना काम करता हूँ वहाँ शनिवार को छुट्टी होती है, और शनिवार को फिर आप जैसे लोग आकर मेरा इंटरव्यू लेते हैं, और मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। आप आइए, बातचीत करिए, मेरा भी उत्साह बढ़ेगा, और जो कमाया है मैंने वो ये कमाया। आप देख रहे होंगे, ये दीवार पर देख रहे होंगे चाय वाला क्रॉनिकल्स, और ये समाचार पत्रों के कटिंग्स, और ये किताबें, तो इस फुटपाथ पे रहकर ये मैंने किया। ये हिंदी भवन में बड़े बड़े लोग आते हैं, वो यही कहते हैं कि हम अच्छे स्थान पर रहकर ये नहीं कर पाए जो ये चाय वाला लक्ष्मण राव फुटपाथ पे बैठकर कर गया। तो लक्ष्मण राव का उत्साह था, लक्ष्मण राव की जिज्ञासा थी। जी, इतिहास गवाह है कि साहित्यकारों ने क्रांति लेकर आई है, उनको हमेशा से रहता है कि हमें ये चीज करनी है, समाज में ये बदलाव लाना है। आपने कभी कुछ ऐसा सोचा था? बदलाव तो अभी लाना है, बदलाव अभी लाना है, अभी लाना है। आप अभी 70 साल के हो गए, अभी और कितना आपको काम करना है? आपको आश्चर्य होगा सुनकर कि मैंने 40 साल की उम्र में 12वीं पास की है। 40 साल की उम्र में? जी हाँ। आपकी शायद आप 20-22 साल की होगी, 20 साल की होगी। मैंने 40 साल में 12वीं पास की दिल्ली में, 40 साल की उम्र में मैंने बीए किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और 63 साल की उम्र में मैंने एमए किया। जी। ये मेरी जो पुस्तक है जो आप दिखा रहे हो, ये पुस्तक लोग पढ़ेंगे तो क्रांति निर्माण होगी। मैं ये कहता हूँ, मैं बार बार अपने भाषणों में, लोगों के विचारों में, संगोष्ठियों में ये कहता हूँ, लेखक का जन्म ही 50 साल के बाद है। अच्छा। और उसकी जिंदगी उसके मरने के बाद है। सुकरात कभी मरा नहीं है, विलियम शेक्सपियर कभी मरे नहीं है, मिल्टन कभी मरे नहीं है, ये पुस्तकों के माध्यम से जीवित है। और आप भी अमर हैं। और एक दिन लक्ष्मण राव भी इसी राह पर आएगा। हाँ। लोग कहेंगे ये वही लक्ष्मण राव है, उन लोगों ने भी प्रेरणा दी है बच्चों को, समाज को। तो कहने का मतलब ये है कि हम जैसे लोग कभी मरते नहीं है, हमारी पुस्तकें चलती रहती है, लोग पढ़ते रहते हैं। हमें ये भी हमें चिंता नहीं है कि हमारी पुस्तकें छापेगा कौन, पढ़ेगा कौन। नहीं, अगर लिख दी तो आगे पढ़ने वाले मिलेंगे, लिख दिए तो आगे छापने वाले भी मिलेंगे, उस पर रिसर्च पेपर्स तैयार करने वाले भी मिलेंगे। जी, तो जैसा कि आपने बताया था कि आप अपने गांव से ही आपने लिखना शुरू कर दिया है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जब मैं छोटा था, जब आठवीं कक्षा का था मैं, तब गुलशन नंदा जी के उपन्यास मिलते थे, और उस समय गुलशन नंदा जी का बहुत नाम था। आजकल आपकी उम्र के बच्चे शायद गुलशन नंदा जी को नहीं पहचानते ना जानते हैं, लेकिन उनके उपन्यासों पर बनी हुई फिल्में शायद आपने देखी होगी, जैसे झील के उस पार, कटी पतंग, शर्मिली, काजल, नीलकमल, जो भी है, और बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारी उपन्यास है। उस समय हम पढ़ते थे नीलकंठ वगैरह, तो वो हमने पढ़ा, समझा। और मैं तो, मेरी भाषा तो मराठी है, मातृभाषा मेरी मराठी है, मुझे लगाव हिंदी भाषा से था, और हिंदी भाषा से मैं आगे बढ़ता गया और मैं काम करता गया, और आज मैंने हिंदी भाषा में अपना नाम कमाया। और ये आप जैसे हिंदी भाषी लोग गर्व की बात कहते हैं, लेकिन मैं एक काम को समझता हूँ, एक गर्व को समझता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ। पैसों के पीछे भागना चाहिए या अपने सपनों के पीछे? पैसे तो अपने आप आते हैं, पैसे कमाए नहीं जाते हैं। अपने सपने जो होते हैं वो अपने नीतियों से होने चाहिए, लेकिन आप जो काम करोगे उसकी नीतियाँ होनी चाहिए। आप क्या करना चाहते हो, उन नीतियों पर आपने काम करना चाहिए, आपको सफलता मिलेगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने लक्ष्य की तरफ देखो, अपेक्षा भी मत करो, प्रतीक्षा भी मत करो, आपको अपने जो भी आप करना चाहते हो उसमें सफलता मिलेगी मिलेगी। आपके परिवार में कौन कौन है फिलहाल? मेरे 2 बेटे हैं, वो एमबीए करके बैंक में नौकरी करने, उनकी मदर है, और मैं, हम 4 लोग दिल्ली में रहते हैं। गांव हमारा यहाँ से कम 1200 किलोमीटर है। मैं 1975 में दिल्ली आया था, वो लेखक बनने के लिए आया था, और मैंने अपने सपनों को पूरा कर लिया है। पूरा कर लिया? बिल्कुल, एक लेखक बन गया हूँ। गुलशन नंदा जी बनने के लिए मैं दिल्ली आया था, गुलशन नंदा जी मैं बन चुका हूँ, अब मैं विलियम शेक्सपियर बनना चाहता हूँ। जी, आज भी आप साहित्य लिखते हैं? बिल्कुल, अभी मुझे शेक्सपियर पे ही काम चल रहा है मेरा। जी, काम चल, विलियम शेक्सपियर पर ही काम चल रहा है, उनके जीवन पर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्च पेपर्स मुझे मिल गए, उस पर मैं अध्ययन किया और कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ, उस पर मैं लिख रहा हूँ। तो वो भी ऐसा ग्रंथ होगा जैसे जवाहरलाल नेहरू जी, बड़ा 720 पृष्ठ का। तो इन लोगों पे लिखने में मुझे आनंद आता है। आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मैं अध्ययन से प्रेरणा मिलती है मुझे, मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ, और मैं बच्चों को यही कहना चाहता हूँ, एक पुस्तक पढ़ोगे तो दूसरी पुस्तक क्या पढ़ना है वही पुस्तक आपको बताएगी। एक तो पढ़ के देखो, आप डिक्शनरी तो पढ़ के देखो, आप हिंदी की पढ़ के देखो, हिंदी टू हिंदी की पढ़ के देखो, हिंदी टू मराठी पढ़ के देखो, पढ़ के तो देखो उर्दू की पढ़ के देखो, अगर समझ में आती है तो। उर्दू की भी हिंदी में है,
हिंदी प्रतिलिपि में है वो पढ़ के देखो। आपके घर में सब कुछ है, आप पढ़ने की जिज्ञासा नहीं रखते, अब इसके लिए कौन क्या कहेगा। आप पढ़ो, पढ़ने के लिए आपको आगे बढ़ना है ना तो आप किताबें पढ़ो, किसी की पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लक्ष्मण राव की पढ़ो, किसी की भी पढ़ो, जिसकी अच्छी लगती है पढ़ो, जिस जो भाषा अच्छी लगती है वो पढ़ो, आगे बढ़ो। आपके दिल के सबसे करीब कौन सी पुस्तक है जो आपने लिखी है? हालांकि मेरी तो सभी पुस्तकें, अब तो ग्रंथ लिख रहा हूँ, ये भी दिल से करीब है, लेकिन सबसे पहला उपन्यास वही था रामदास जो पानी में डूबकर मर गया था, और उसके ऊपर मैंने पहला उपन्यास लिखा था। और यहाँ से एक मतलब 1000 स्कूलों में, दिल्ली के 1000 स्कूलों के लाइब्रेरी में मैंने उसको बेचा है, वो भी साइकिल पर चलकर। कई बार इच्छा भी हुई कि छोड़ दे सब कुछ वापस जाए, लेकिन हम वापस जाके क्या करेंगे। और इन्हीं पुस्तकों ने मुझे इन समाचार पत्रों तक पैसा पहुंचाया, इंदिरा गांधी से फेस टू फेस मुलाकात हो गई। अच्छा, उनको पुरस्कार भी मिला था। पुरस्कार मानने नहीं रखते, राष्ट्रपति से मिला, राष्ट्रपति का एक उनके कार्यालय द्वारा मतलब उनके कार्यालय में, तो हम राष्ट्रपति भवन में हम परिवार के साथ गए थे, अति विशिष्ट व्यक्ति का वो पुरस्कार था, सम्मान था एक प्रकार से। उनके साथ बैठकर हमने 20-22 मिनट बातचीत की है, तो हमारी बातचीत ये थी कि हमने क्या किया ये उनको बताना था। अच्छा। जैसे आप हमसे पूछने आए, वैसे उन्होंने हमें इसलिए बुलाया कि आप इस तरह से कैसे करते हैं, हम नहीं दो किताबें लिख पाए, आप इतनी सारी किताबें लिखे कैसे लिखी आपने, तो हमारी उनसे बातचीत हुई है। और वो एक सम्मान था, एक गुलदस्ता था, कोई धन नहीं था, वो गुलदस्ता राष्ट्रपति भवन का एक गिलास पानी भी हमारे लिए बहुत बड़ा है। जब आप दिल्ली में पहली बार आए थे तब आपका अनुभव कैसा था? जब दिल्ली में आया था, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि जब मैं दिल्ली में आया था, ये बहुत सुंदर शहर था, हर रोड पर दो अंग्रेज दिखाई देते थे, साफ सुथरा शहर था ये, गंदगी नहीं थी, और आर्टिफिशियल प्रकाश नहीं था, सच्चाई का प्रकाश था इस दिल्ली में, ईमानदार दिल्ली थे। आज हम डरते किसी रोड से जाने के लिए, ऑटो में बैठने से डरते हम ट्रेन में भी बैठने से डरते, अब उसमें भी सुरक्षा नहीं है, प्लेन की तो बात छोड़ दो, प्लेन के भी बारे में बहुत कुछ सुनने को आ रहा है, लेकिन उस टाइम बहुत अच्छी दिल्ली थी। यहाँ से हम बिरला मंदिर तक पैदल पैदल जाते थे, सोचते सोचते जाते थे, सोचते सोचते आते थे, तो ये चीज। एक साहित्यकार का सोचने का नजरिया भी बिल्कुल अलग होता है। साहित्यकार सकारात्मक सोचता है, नकारात्मक नहीं सोचता है, वो प्रामाणिकता सोचता है, वो अपराध नहीं सोचता है, इसीलिए वो एक दिन साहित्यकार बन जाता है। आज भी आपने चाय बनाना नहीं छोड़ा, इसके पीछे का कारण क्या है? ये मेरा रोजगार है, रोजगार को कभी ठोकर नहीं मारनी चाहिए। अच्छा, आप आज भी जो है बिना किसी गाड़ी के आते हैं, किससे आते हैं? मैं जैसे मेरे पास पास है, डीटीसी का पास है, मान्यता प्राप्त पास, समझे ना, ये देखिए ये मान्यता पास है, 900 रुपए का पास है, 6 महीने चलता है ओल्ड एज पर्सन के लिए। वैसे मेरी साइकिल है, मैं शनिवार को साइकिल जरूर लाता हूँ, छुट्टी के दिन मैं एक दिन साइकिल चलवा चाहिए, साइकिल से मैं एयर कंडीशन में होता मेरे पैर थक जाते, अगर एयर कंडीशन में बैठा होता तो ये जो मुझे 40 साल से पेड़ की जो हवा मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है, वो मुझे इस अवस्था में रख रहा है। अगर मैं एयर कंडीशन कार में आता तो शायद मेरी अवस्था ये नहीं होती, मैं थक जाता। आजकल के जो युवा हैं उनको प्रेरित करने के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आप आज भी अपने सपनों को जी रहे हैं और कुछ लोग जो होते हैं बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हार नहीं मानो, अपने माता पिता के बारे में सोचो। बहुत से बच्चे कहते हैं मेरे माँ बाप ने क्या किया है, नहीं ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप जो काम कर रहे हो 10% अपने माता पिता के लिए भी रखो, अपने लिए भी रखो। आप भटकते हो, प्रेम प्रसंगों में जाते हो और किसी दूसरी घटनाओं में जाते हो, वो काम मत करो। पैसे कमाने के लिए गलत रास्ते अपनाते वो मत करो। तो हमारे साथ इतनी सारी बातचीत करने के लिए और लोगों को प्रेरित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।